वेलकम बैक टू सीके किचन। आज हम बना रहे हैं जलजीरा पाउडर, जिसे हम कम से कम डेढ़ महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इसी के साथ मैं उसी पाउडर से आपको जलजीरा बनाना भी बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको मेरे जलजीरा का मेथड अच्छे से समझ आ सके और आपका जलजीरा बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी बने। जलजीरा पाउडर बनाने के लिए हम 1 टेबलस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर क्रश्ड, 1/2 टेबलस्पून हींग और 2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट लेंगे। हम सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि इनसे इनका फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होकर आता है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबलस्पून अमचूर, 1/2 कप शुगर लेंगे। मैंने शुगर को घर में ही ग्राइंड किया है। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा जलजीरा पाउडर रेडी हो गया है। अब हम जलजीरा पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में क्लिंग रैप से और फ्रेश रैप से अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और इसे कम से कम 2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम 1 कप फ्रेश मिंट लीव्स लेंगे, 1 कप धनिया पत्ती लेंगे, 2 टेबलस्पून जिंजर लेंगे। मैंने जिंजर के छिलके रिमूव नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं कि जिंजर, धनिया पत्ती और पुदीना कितने फ्रेश हैं। अगर आप अपने धनिया को और जिंजर को लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हमारे जलजीरे का बेस रेडी हो चुका है। हम इस बेस को लिक्विड फॉर्म में ही रखेंगे ताकि हम जब स्ट्रेन आउट करें तो हमारे धनिया और पुदीने का फ्लेवर हमारे जलजीरा में आ सके। अब हम अपना रेडी किया हुआ 2 टेबलस्पून जलजीरा पाउडर डालेंगे और 2 लेमन का जूस डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम 2 ग्लास चिल्ड वाटर डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। टॉपिंग के लिए हम बूंदी डालेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।